साहस, जल्दी उठिए, बस छूट जाएगी। खेलना बंद कीजिए साहस और नाश्ता कीजिए। माँ, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, आप नाश्ता कीजिए। बताओ, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? देवीना नहीं आई? मैम, आज उसके एरिया में कर्फ्यू लगा है। अच्छा, तुम ही बता दो प्रज्ञा। दीन ए इलाही। क्या था दीन ए इलाही? प्रदीप राठौर। मैम, अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया, दीन ए इलाही, खास तौर से हिंदू मुस्लिम के लिए। बैठ जा। मैम, अकबर तो मुस्लिम था, फिर उसने नया धर्म क्यों बनाया? माँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पार्टी में बुलाया है। चले जाना, पर अब सो जाओ। माँ, वो सलमान है ना, उसके घर ईद की पार्टी। साहस, तुम कहीं नहीं जाओगे। पर माँ, उसका घर तो बहुत पास है। मैंने कह दिया ना, नहीं जाओगे। पर क्यों? एक बार कह दिया नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। और हाँ, आगे से इस सलमान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? लेकिन मम्मी, सलमान तो मेरा बहुत। हाँ बोलो। माँ, अम्मी ही ना बुलाना शुरू कर दे।
माँ आज मुझे स्कूल जाना है। कहीं नहीं जाना है, देखो आज मैं भी नहीं जा रही। मुझे पता है तुम्हें क्यों जाना है। नाश्ता करो। हेलो। हाँ सर। जी सर। लेकिन सर वो ठीक है सर। सास मुझे स्कूल जाना होगा, इंस्पेक्शन है ना। लेकिन तुम कहीं नहीं जा रहे, समझे? मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। बहुत दिनों से आपको पहचानने की कोशिश कर रही थी। कल रात ही मुझे याद आया मैंने आपको कहाँ देखा है, जब मैंने पुराना अखबार देखा। अच्छा, वैसे मेरा नाम सुधा पानी है। और मेरा सोनी। मैं आपका चेहरा बुला नहीं पाई थी जब मैंने न्यूज़ में आपका चेहरा देखा था। बहुत घबरा गई थी मैं, आपका चेहरा मिला नहीं पाई थी मैं, याद था मुझे। आलोक जरा जल्दी चलिए ना, एरिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और सास भी जग गया होगा। हाँ हाँ, सास के पास अम्मा हैं, क्यों घबरा रही हो? आलोक मत रोकना, ये मुस्लिम एरिया है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे कोई प्रॉब्लम में भी हो सकता है। आलोक नहीं, आलोक नहीं, नहीं नहीं प्लीज नहीं। आलोक ये क्या हो रहा है? आगे कुछ गड़बड़ है, बस आगे नहीं जाएगा, आप सबको यहाँ से उतरना होगा। चलिए चलिए। आप घबराइए नहीं, मेरा घर पास ही में है, ये मेरा मोहल्ला है, घबराने वाली बात नहीं है। तुम अकेले रहती हो? नहीं।
कैसा मिला बेटा? सरा दीदी अभी छोड़ के गई। तुम्हारी बेटी? हाँ ये मेरी बेटी। बेटा ये सुधा आंटी है। इतनी छोटी बच्ची अकेले? ये तो मेरा बहादुर बच्चा है, अकेले भी रह सकता है ना? तुम कुछ खाओगी? नहीं बस पानी। हाँ तुम बैठो। तो इधर आओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? रानी। पूरा नाम बताओ। बेटा पूरा नाम बताओ। आप अंदर चलो। पापा अंदर हो ना आप। हाँ भाईजान मैं ठीक हूँ। और रानी? सारा छोड़ गई थी उसको। माहौल बहुत खराब है आपका। हमारे 20 लोगों को मार दिया उनका फिरों ने। आप बस बाहर मत निकलना। हाँ समीम तो एक काम कर, ये ताला चाबी ले और बाहर से ताला मार दे, नीचे साबी सरका देना। अगर जरूरत पड़ी तो हम पीछे वाले दरवाजे से निकल जाएंगे। ये मुनासिब रहेगा। सुन समीम। हाँ पापा बोलो। ऐसा कोई काम मत करना कि रमजान के महीने में हमें अनजानी गलतियों के साथ साथ किसी और बात की भी माफी मांगनी पड़े। झूठी मक्कार हरामखोर, मेरा धन ब्रश कर दिया। क्यों लाई थी मुझे यहाँ? इन मुसल्लों से मरवाना चाहती थी मैं। मुझे शिकारों में डालो। बस कर, कुछ भी मत बोल। एक तो तेरी जान बचाई, ऊपर से इतने दाम। सही कहते हैं हमारे लोग, शैतान की औलाद हो तुम काफिर साले। मैंने तेरा दम कष्ट किया ना? अगर कुरान में प्यासे को पानी देना ना लिखा होता तो कभी अपने पति की मौत की वजह को घर नहीं आने देती मैं। कुछ नहीं सुना है, दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। ये दरवाजा बंद है, तुम बीच वाले दरवाजे से जा सकती हो। निकल जाओ। मैं कर्फ्यू खुलते ही चली जाऊंगी। मैंने कब कहा था जाने को? वो तो तुम ही। कोई बात नहीं करनी प्लीज। Allah
तुमने ऐसे क्यों कहा था कि मैं तुम्हारे पति की मौत की वजह हूँ? तुम्हारा चेहरा मुझे पिछले 5 सालों से हमेशा याद था। टीवी अखबारों में तुम्हारे दर्द भरी तस्वीरों को दिखा दिखा कर लोगों ने अपने रसूख की रोटियां खूब सेकी। उसके बाद जो दंगे भड़के। रानी बेटा इधर आ। तुमने ही हुए थे हमारे निकाह को, सबसे लड़कर शादी की थी हमने। तो मुझे अजमेर शरीफ ले जाने वाले थे, टिकट लेने गए थे, सुबह के गए और शाम को वापस आए बोरी में, टुकड़ों में। कैसा लगता है जिंदा इंसान को कुछ घंटों में मांस के टुकड़ों में बदलते देखना? सच छुपा के क्या फायदा, आज नहीं तो कल जान ही जाएगी। तुम जाओ बेटा, किसी और से जाने की तो शायद गलत समझ बैठे और दर्द के रिश्तों की जगह नफरत की वजह बना बैठे। तुमने कहा वजह की बात मत करो। मैंने भी आग में जलते हुए इंसान को देखा है, उसकी चीखों को महसूस किया है। दर्द की शुरुआत तो तुम लोगों ने की थी, तुम लोगों ने। हम लोग की तुम बात कर रही हो ना मुझसे? कभी सोचा हम लोग के बारे में? जिन्हें तुम्हारे पति को मारा वो क्यों नहीं पकड़े गए? यहाँ तक कि मजहब के ठेकेदारों ने भी हमें मारा, उन काफिरों को नहीं। मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, मुझे एक फोन करना है। बगल वाले शर्मा जी का फोन है, तुम कर सकती हो। रुको, वो तुम्हें दरवाजा नहीं खोलेंगे, मैं कोशिश करती हूँ। दरवाजा खोलिए, कोई है? दरवाजा खोलिए प्लीज। मैं हिंदू हूँ, सुधा पांडे। मेरा घर पे एक छोटा सा बच्चा है, मुझे उसे फोन करना है, प्लीज दरवाजा खोलिए। जानकी भाभी मैं सोनी हूँ, दरवाजा खोलिए। जानकी भाभी मैं सोनी हूँ, दरवाजा खोलिए। जानकी भाभी हेलो हेलो, शगुन दीदी। हे भगवान, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे साहस की बहुत चिंता हो रही थी। वो अपने किसी मुस्लिम दोस्त के यहाँ जाने की जिद कर रहा था। मैं वो अपने दोस्त के यहाँ हूँ। नहीं नहीं दीदी, ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। क्या हो रहा है?
घड़े में पानी नहीं आया, मुझे प्यास लग रही है। बेटा थोड़ी देर में नहला जाएंगे ना? नहीं अम्मी, मुझे अभी मुझे भूख भी लग रही है। अच्छा तुम बैठो बैठो। माहौल थोड़ा शांत लग रहा है। बेटा मैं पानी लेके आती हूँ। क्यों मारा था? क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। क्या बोला था उन्होंने? समीम भाई जान? अंदर कौन है? रानी और कौन? आपको मेरी अम्मी बुरी लगती है ना? हाँ। मेरी अम्मी अलग तरह से नमाज पढ़ती हैं और आप अलग तरह से। मैं नमाज नहीं पढ़ती, मेरे भगवान अलग हैं। ज्यादा बनो मत, मैंने देखा है तू है ना। उन्हीं लोगों ने हमारे भाईजान को मारा था। तो उसे मारने से क्या बचेगा भाईजान? अब आंख के बदले आंख। नहीं भाईजान। सो जाते हैं, चलो क्या नाम था?
सोनी। पूरा नाम? इतना ही है, इतना ही पता है। अरे मैडम पूरा नाम तो होना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है? अरे मैडम पूरा नाम नहीं पता तो धर्म कैसे पता पड़ेगा, इसे दफनाना है या जलाना है? धर्म तो जिंदा लोगों की अफीम है, मुर्दों का क्या धर्म? टाइम खराब कर रही हो मैडम। अच्छा ये किसकी बच्ची है? ये मेरी बच्ची है। अच्छा ठीक है साइन कर दो, गवाही के लिए बुलाया जाएगा। गरीब कुएं के सीने में बारिश की बूंदों से चाहे नदियों और नालों की राहें, मंदिर में चाहे मस्जिद में फितरत है मेरा एक हो जाना, मकसद पानी का सिर्फ प्यास बुझाना। है सब एक हो।